चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर आपको बता रहे कानपुर से, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी अपलोड किया। चौकी इंचार्ज पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस और परिजनों के बीच हंगामा भी देखा जा रहा है। सचेंदी थाना क्षेत्र का मामला है। रिजवान आलम हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। रिजवान, हम देख सकते हैं स्क्रीन पर विजुअल्स में युवक की हत्या के बाद काफी ज्यादा यहां पर पुलिस और परिजनों के बीच जो है झड़प देखने को मिल रही है। युवक ने भी एक वीडियो जो है जारी किया है सुसाइड से पहले। पूरा मामला क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये सचेंडी चक्करपुर का मामला जिसमें चौकी प्रभारी द्वारा प्रताड़ित किया गया, उसको यही आरोप लगाया जाएगा वसूली के रूप प्रताड़ित किया गया। इसमें उसने वीडियो बना के उसको वायरल करके उसने आत्महत्या किया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें विधायक अभिजीत सांगा, बिटूर विधायक अभिजीत सांगा मौके पर पहुंच के उन्होंने की तहरीर के आधार पर मुकदमा कराने की बात कही, तो वहीं पुलिस द्वारा नोकझोंक भी हुई, जिसमें पुलिस द्वारा नोकझोंक उस पर बताया जा रहा है कि वो ट्रेनी आईपीएस अधिकारी द्वारा अधिकारी से उनकी नोकझोंक हुई, जिसके बाद वहां से पुलिस द्वारा बहस होकर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सारे जी परिजनों का क्या कुछ कहना है? युवक ने इसके पहले किसी से शिकायत की थी या किसी परिजन से इस बात का जिक्र किया था कि उनका कहना है कि उन्होंने आला अधिकारियों से लगातार युवक ने शिकायत की थी, मगर मामले को संज्ञान भी लिया गया था उसके बाद भी, मगर पीड़ित ने वीडियो बना के वायरल किया कि परेशान किया जा रहा है, इसी क्रम में उसने आत्महत्या किया। बिल्कुल, तो ये मामला बहुत गंभीर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ इसमें फैसला होता है, न्याय मिलता है नहीं युवक को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।